आज तो सुबह उठते साथ हम लोग को रेडी होने के बाद दरगाह जाना था, इसलिए हम निकल पड़े दरगाह के लिए। दोस्तों हम लोग अभी फिर से मेट्रो स्टेशन आए हैं, यहाँ से अभी हम लोग को दरगाह जाना है, निजामुद्दीन दरगाह। तो उसके लिए हम फिर से मेट्रो से जाएंगे। दरगाह में ज़्यादा कुछ सूट करते बना नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत ही क्लिप लिया। अब दोस्तों सिटी बस में बैठकर हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट वाले कैंपस में। बस जब सामने मेरे इंडिया गेट है, पास चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को और क्लियर व्यू। सिटी बस वहाँ पास उतार दिया था, वहाँ से थोड़ा पैदल चल के आना पड़ा। खैर क्या, सिटी बस और मेट्रो का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ता भी पड़ रहा है। बोला तो भाई एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए 400-300 रुपए से कम की बात ही नहीं करते। दोस्तों इंडिया गेट तो पहुंच गए हम लोग, लेकिन यहाँ पास आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पास ना पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो है ना, यहाँ पास कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। नया पार्लियामेंट जो कि नया मोदी गवर्नमेंट के कारण बनाया जा रहा है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पास हाल है ना। अपन को यहाँ पर प्रॉपर हम लोग को वहाँ पर जाने मिल रहा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग ना यहीं से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लेना पड़ेगा। इंडिया गेट बोल रहा है सामने में, और हमको जो है ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहीं से लेना पड़ेगा प्रॉपर, तो कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं दोस्तों, बाकी अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलता ना, तो वहाँ तक जाके अपन काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते थे। इससे पहले मैं एक दो बार आया हूँ, जो सामने का जो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, कि ठीक सामने अपना पूरा ऐसा जा सकते थे, और काफ़ी सही सही अपन फोटोग्राफ्स वीडियो भी, मैं बचपन के फोटो वीडियोज़ भी हैं जिसमें अपन सामने से जाके फोटो वीडियोज़ लिए। लेकिन कुछ नहीं, बाकी आप लोगों को मैं अपने जूम लेंस से यहीं से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये है जस्ट मेरे से इंडिया गेट, और अपन ज़्यादा पास जाके तो अपन कर नहीं सकते, तो अपन यूँ सामने पे खड़े होकर अपन ब्लॉग शूट करें। और मैंने काफ़ी शानदार भी फ़ोटोज़ लिए इसका, आप लोगों ने फोटोज़ देख लिया होगा, इंस्टाग्राम में मैंने डाला है, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बस यहाँ से चलते हैं अब फिलहाल, यहाँ पर ज़्यादा टाइम अपन पास है नहीं, क्योंकि अब देखते हैं भाई लोग वहाँ पास खड़े हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पास क्या था, क्राउड बहुत था, तो इसलिए मैं यहाँ पास आ गया था अकेला। भाई लोग वहीं पास खड़े हैं, मतलब मज़ा नहीं आया। मतलब पास आके भी अपन इंडिया गेट से दूर हो गए, क्या पास में खड़े होके फ़ोटोज़ वगैरह लेने में काफ़ी सही आता है। दिल्ली के रोड काफ़ी सही थे यार, मतलब काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी साफ सुथरे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी है हम लोग को, और आदिल भाई ऑर्डर के लिए गए हुए हैं। और एक्चुअली दोस्तों यहाँ पास जो है ना, जो हमारे एरिया में सबसे मतलब इन द सेंस, एक घटना मतलब कि ना, हमारे जो एरिया में घरों में काफ़ी बनता है कढ़ी चावल हो गया, राजमा चावल, ये सब यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल डिशेज है इस एरिया में। ये हम लोग के लिए तो बहुत मामूली सी चीज़ है, हम लोग के घर में बनती ही रहता है। बट भाई कुछ अलग ट्राई करने के लिए यहाँ पास गए हुए हैं, देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़ोरों से भूख लगी है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। और काफ़ी सही एरिया, मतलब जो कनॉट प्लेस है ना, मतलब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में काफ़ी देखा था इस जगह के बारे में, उस सब से सही सही सा लग रहा है, देख सकते हो आप लोग।
और इसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे दोस्तों जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में जो भी सीन रहता है फिर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। ये जो है ना दोस्तों, ये है प्यार मोहब्बत सरबत। ये घर में भी बना चुके हैं अपन, लेकिन YouTube शॉर्ट्स में हम देखे थे इस दुकान का पता। तो जामा मस्जिद के बाजू वाले गली से गए अपन और वहाँ बस इस शरबत का मज़ा ले रहे थे। काफ़ी सही टेस्ट था। ये था दोस्तों शाही टुकड़ा। इसका भी टेस्ट काफ़ी सही था, मतलब दिखा कुछ अट्रैक्टिव सा, तो हम सोचे क्यों ना इसे भी ट्राई कर लिया ही जाए।